तो बैंक वर्धा की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है, तो फाइनली लिंक भी एक्टिव स्टैन हो चुका है। तो मैं आप लोग को आज इसी वीडियो में मैं बताना वाला हूँ ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। मैं आप लोग को इसी वीडियो में सारी जानकारी में इस एलिजिबिलिटी क्लियर ऑनलाइन कब से ऑनलाइन लास्ट डेट कब तक है, मैं आप लोग को प्रोसेस तक मैं आप लोग को प्रिंट आउट फॉर्म तक मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिना स्किप करके अंत तक देखते रहना और बने रहना। तो चलो वीडियो बिना स्किप करके देखते रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक जिस चैनल आप देख रहे हो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियो हर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और पूछते रहेगा, और साथ ही साथ दोस्तों को साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते और देखते बिना टाइम वेस्ट करके। तो पहले आप लोग को देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और पहले देखते हैं ये देख सकते हो दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की तरफ से प्रोफेशनल, इसमें पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट प्रोफेशनल पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें टोटल पोस्ट आप लोग को बात करेगा तो 346 पोस्ट आप लोग को पोस्ट मिलने वाला है, 346 पोस्ट इसमें टोटल पोस्ट होने वाला है। तो चलो नीचे स्क्रॉल डाउन करके और देखते हैं, ये देख सकते हो सारी जानकारी, ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आया है। जॉब रोल अगर बात करें वेल मैनेजमेंट प्रोफेशनल जॉब है आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग को इसमें टोटल पोस्ट वैकेंसी आप लोग बात करें तो 346 पोस्ट आप लोग को पोस्ट देखने वाला है। उसके बाद अगर अप्लाईमेंट करोगे तो ये ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। उसके बाद इसमें लास्ट डेट अगर बात करोगे तो 20 अक्टूबर तक इसमें लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों। इसमें आप लोगों को क्या क्या पोस्ट मिलने वाला है अगर बात करेंगे तो दोस्तों सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर इसमें 320 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें सिंपल से ग्रेजुएशन पास होने से इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें इस क्राइटेरिया फीचर्स भी दिया गया, इसमें साथ साथ आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर बात करेगा तो नंबर टू में अगर देखिएगा तो ये देखिए ई वर्ल्ड रिलेशनशिप मैनेजर आप लोग को पोस्ट देखने वाला है। इसमें टोटल पोस्ट आप लोग को बात करेगा तो दोस्तों 24 पोस्ट आप लोग को मिलने वाला है। इसमें सिंपल से ग्रेजुएशन पास होने से इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। इसमें अगर और क्राइटेरिया फीचर्स भी दिया गया अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों अच्छा से देख सकते हो। आपको ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे लिंक पर आप क्लिक करोगे सारी जानकारी एडवर्टाइजमेंट आप लोग को खुद से ऑनलाइन और डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। इसमें नंबर 3 में अगर देखकर ग्रुप सेल हेड वर्चुअल आरएम सेल हेड आप लोग को पोस्ट मिलने वाला है। इसमें टोटल पोस्ट अगर बात करेगा तो इसमें ओनली 1 पोस्ट आप लोग को पोस्ट मिलने वाला है दोस्तों। इसमें सिंपल से ग्रेजुएशन पास होने से इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हो दोस्तों। इसमें साथ साथ आप लोग को फीचर्स भी दिया गया है, इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, इसमें मिनिमम 10 ईयर्स भी दिया गया सारी जानकारी। उसके बाद आप लोग को पोस्ट मिलने वाला है दोस्तों एरिक्स ऑपरेशन हेड वर्ल्ड का, इसमें टोटल पोस्ट 1 पोस्ट मिलने वाले, ये भी ग्रेजुएशन का एमबीए का पोस्ट होना जरूरी है। इसमें अगर एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट SUR अनरिजर्व कैटेगरी OBC के लिए तो 600 रुपीज़ आप लोग को एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा दोस्तों। उसके SC ST OBC वोमेन कैंडिडेट का 100 रुपीज़ आप लोग को पे फीस ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को पे देना पड़ेगा दोस्तों। इसमें सारी जानकारी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो दोस्तों। इसमें ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये 30 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई लीक एक्टिव हो चुका है दोस्तों। ये ऑनलाइन लास्ट डेट होने वाला है 20 अक्टूबर तक, ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। जैसे लिंक पर क्लिक कर दो एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करना चाहते हो, इस लिंक पर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपली से इस फॉर्म पर क्लिक कर देना, जैसे लिंक पर ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जैसे लिंक पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों डायरेक्ट इस तरफ से आप लोग को इंटरेस्ट मिलने वाला है दोस्तों। पहले आप लोग को क्या करना है दोस्तों, इससे पहले आप लोग को पहले नंबर 1 वाला आप लोग को पोस्ट सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो वो अच्छा से आपको इस हिसाब से डाल देना दोस्तों। मैं ई वेल रिलेशनशिप मैनेजर मैंने सेलेक्ट कर दिया, जैसे सेलेक्ट करोगे तो इस तरफ से आप लोग को देखने को मिलने वाला है इंटरफेस। उसके बाद नंबर 2 वाला सेलेक्ट कर देना, लोकेशन वाला, जैसे लोकेशन वाला आप सेलेक्ट करोगे इस तरफ से आप लोग को मुंबई, ये जॉब लोकेशन आपको जॉब मिलने के बाद इस मुंबई आप लोग को जॉब मिलने वाला है, जॉब से आप लोग को भेजने वाला है। उसके बाद आप लोग को फुल नेम आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से उस पर डाल देना दोस्तों। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद आपका ईमेल आईडी डाल देना दोस्तों। उसका साथ साथ आप लोग को क्या करना है दोस्तों, ये कैप्चा को
थोड़ा थोड़ा देखा जा रहा है, अगर ये अगर नहीं होता इस पर आप लोग को डाल देना उसका बट गेट ओटीपी पर सिंपली से डाल देना। चलो मेरा हिसाब से आपको भी आपको इस हिसाब से डाल देना। चलो मेरा हिसाब से सारी जानकारी मैं डाल लेता हूँ, मैं आप लोग को प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। चलो मेरा भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक को प्रेस कीजिए। आने वाले वीडियो हर नोटिफिकेशन ऑल इंडिया गवर्नमेंट का जॉब के रिलेटेड के बारे में आप लोग को भी मिलने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके चलो जल्दी से जल्दी अप्लाई करके दिखाने वाला, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं सारी जानकारी फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने सारी मैंने भर दिया, आपको भी आपको सब सर्च भरने के बाद आप करना है दोस्तों गेट ओटीपी पर सिंपली से आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से आपको एक इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलने वाला है। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इस तरह से देखिए मोबाइल नंबर ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दिया गया है। ओटीपी आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली से इस पर आप लोग को डाल देना। डालने के बाद सिंपली से प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। चलो वेट कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों फाइनली ओटीपी से ऊपर से आ चुका है, ये देख सकते हो। चलो मैं टाइप कर लेता हूँ 765174 765174 मैंने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये देखिए ये देख सकते हो दोस्तों फाइनली सबमिशन हो चुका है। तो ये आपको सारी जानकारी आपको भर देना होगा दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जेंडर चूज कर लेना। चलो मेरा आपका जेंडर क्या है वो आपको हिसाब से इसका डाल देना। उसका बाद आपका अगर इसमें बोला गया देख सकते हो कैटेगरी क्या है, इसमें कैटेगरी में आपको क्या क्या देखिए जनरल ओबीसी को हिसाब से डाल देना। चलो आपको भी आपको हिसाब से सारी जानकारी डाल देना दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, इसके बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें अगर एक्सरफिस में तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद पर्सन डिसेबिलिटीज है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना दोस्तों। उसके बाद इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सिंपली से डाल देना, डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपका एड्रेस वन एड्रेस टू डाल देना, सिटी डाल देना, एरिया का पिन कोड डाल देना। उसके बाद स्टेट आपको जितना इंडिया में स्टेट है आप लोग को इस बार आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें जितना इंडिया में स्टेट में ये ऑल इंडिया वैकेंसी ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो, आपको भी आपको हिसाब से डाल देना दोस्तों। उसके बाद आप लोग को क्या करना है एपी एप का एरिया का पिन कोड डाल देना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद करंट सिटी से अगर है तो डाल सकते हो 24। चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से डाल देता हूँ दोस्तों। सारी भरने के बाद आपको सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। ये देखिए काइंडली फिल और देखिए बोला गया है इसमें थोड़ा पास दोस्तों। सेफ एंड नेक्स्ट बटन पाने के बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको इस पर आप लोग को डाल देना होगा। इस पर सारे आपको ग्रेजुएशन का डिग्री का क्या परसेंटेज है, इसमें क्या कब तक पढ़ाई किया, इसके सारी जानकारी आपको हिसाब से डाल देना। चलो मेरा हिसाब से सारी जानकारी मैं डाल लेता हूँ दोस्तों। सारी भरने के बाद आपको उसका नेक्स्ट सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग को क्या करना है एक्सपीरियंस डिटेल आप लोग को भरना होगा, अगर देना से भी दे सकते हो। चलो मैं डाल लेता हूँ। दोस्तों इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देंगे, आप लोग को सारी आप लोग सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सारी फिल करने के बाद सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन पर आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके बाद प्रीव्यू ऑप्शन पर अपलोड करना होगा। तो इस तरफ से आप लोग को सारी जानकारी इस तरफ से सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर करते करते जाके आप लोग को सारी प्रीव्यू ऑप्शन पर जाके फाइनल सबमिशन होगा। तो वीडियो नहीं है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। आने वाली वीडियो हर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और पुश कर लेगा। और चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।